नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से यहां के नदी नाले काफी उफान पर हैं। लेकिन इस दौरान जवानों का लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले जवानों की टीम में से एक जवान उफलते पहाड़ी नाले में बह गया। जवान का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यह हादसा शुक्रवार सुबह का है। लापता जवान की तलाश में लगातार जवान जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक जवान का कुछ पता नहीं चल सका। सीआरपीएफ डीआईजी कोमल सिंह से मिल रही जानकारी के मुताबिक लापता जवान का नाम सूरज आर है, जो केरल का निवासी बताया जा रहा है। लंबे समय से जवान बीजापुर के सीआरपीएफ कोबरा 210 बटालियन में कार्यरत है। सीआरपीएफ डीआईजी कोमल सिंह से मिल रही जानकारी के मुताबिक सिलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कोबरा बटालियन के जवान गश्त पर निकले हुए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिले में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से जवान बारिश में फंसे होने की जानकारी मिली। शुक्रवार सुबह कैंप लौटते वक्त जवानों ने एक उफलते नाले को पार किया, लेकिन इस दौरान एक जवान सूरज आर नाले में बह गया। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ पाते, नाले का बहाव इतना तेज था कि जवान लापता हो गया, जिसके बाद जवान का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मदद ली जा रही है, लेकिन जवान का कुछ पता नहीं चल सका। डीआईजी ने बताया कि मौके के लिए लोकल पुलिस और बीजापुर सीआरपीएफ कैंप से अतिरिक्त पुलिस को रवाना हो गई है। लगातार जवान की तलाशी की जा रही है, लेकिन तेज बारिश के चलते उफलती नदी नाले की वजह से अब तक लापता जवान का कुछ पता नहीं चल सका। गौरतलब है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश का कहर बीजापुर में हुआ है। पिछले 6 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, लापता जवान के लिए दुआ कीजिए कि हमारे लापता जवान जल्द से जल्द सेना को मिले। साथ ही दोस्तों, सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।